तेरा एग्जाम कैसे गया? मक्खन। क्या? एकदम मक्खन। अच्छा, ऐसी क्या पढ़ाई की थी, मुझे भी बता। अच्छा सुन, दोपहर को 2 बजे पेपर था। हाँ। सुबह 4 बजे उठा, अपना हाथ धोया, फिर हिलाया और सो गया। क्या? अबे पढ़ाई कैसी की वो बता। बताता हूँ, रुक। फिर 5 बजे उठा, टॉयलेट में गया, वहां हिलाया। फिर स्टडी रूम में गया। फिर स्टडी रूम में पूरे 3 घंटे लगातार रट्टा मारा। नहीं, हिलाया। भोसडी के काश तेरे बाप ने भी हिलाया होता, तेरे जैसा थड़की हिलाओ पैदा तो नहीं होता। मैंने तो एग्जाम का स्टडी कैसे किया वो बता। बताता हूँ भाई, तू पूरी बात तो सुन। हाँ बोल। फिर सुबह 9 बजे नाश्ता किया, फिर गार्डन में जाकर हिलाया। नहीं, पुस्तक लेकर बैठा। फिर पूरी पुस्तक पढ़ते पढ़ते हिलाया। क्या? कौन सी बुक थी? चुदाई की रानी चूतियों का राजा। अबे साइंस की पढ़ाई कब की फटेलन के? बताता हूँ, रुक। स्कूल बस में साइंस की बुक निकाल के बैठ गया। फिर उसमें मैंने 13वां चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने लगा। फिर क्या, पिछली सीट पर गया और अबे हवस के पुजारी चूत के भिखारी, फिर एग्जाम में क्या लिखा, चुदाई की रानी चूतियों का राजा? नहीं, फिर कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन तू तो बोला एग्जाम मक्खन गई। हाँ, पिछली सीट पर बैठा था, जेब से मक्खन निकाला और क्या, हिलाया। रुक, चाकू किधर है मेरा, अभी काट डालता हूँ तेरा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।